उलझा पेच सुलझा, महागठबंधन में हुआ सीटों का बंटवारा। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इसका सबको इंतजार है। उम्मीद है कि इसी महीने में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। एक तरफ उनको लेकर बीजेपी और एनडीए के नेताओं का बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी के नेताओं ने भी ऐसा बयान दिया, जिससे सवाल उठ रहा है कि क्या सीटों को लेकर महागठबंधन के बीच उलझा पेच सुलझ गया है। क्या महागठबंधन में सचमुच सीटों के बंटवारे पर अंदर ही अंदर सब कुछ तय हो गया है? इस तरह के सवाल इसलिए क्योंकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पार्टी के विधायक भाई वीरेंद्र के बयान से तो ऐसा ही लग रहा है। दोनों नेताओं ने मकर संक्रांति के दिन सोमवार को इससे संबंधित ऐसा ही कुछ बयान दिया, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि शायद अंदर सब कुछ सेट होने की तैयारी में है और बहुत जल्द ही यह मीडिया के सामने साथ साथ अन्य लोगों के सामने भी आ जाएगा। मकर संक्रांति पर चूड़ा दही के भोग के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत की। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार नाराज नहीं है। इस दौरान सीटों के बंटवारे को लेकर जब सवाल किया गया तो तेजस्वी ने गोल मटोल जवाब दिया, लेकिन बयान ऐसा दिया जैसे महागठबंधन में सब कुछ तय हो गया है। तेजस्वी ने कहा, बिहार में सब हो गया है या नहीं हुआ है इसकी जानकारी हो सकता है, सब फैसला हो गया है। सोमवार को मीडिया से बातचीत के दौरान भाई वीरेंद्र ने सीटों के बंटवारे पर बयान दिया। कांग्रेस 11 सीट मांग रही है, वामपंथी पार्टी 5 सीट मांग रही है। इस पर भाई वीरेंद्र ने कहा कि मांगना काम है, हर दल के लोग मांगते हैं, मांगने से नहीं मिलता। शीर्ष नेतृत्व तय कर चुके हैं, गुप्त रूप से रखा गया है। इस सवाल पर कि क्या सीट बंटवारा हो गया है, इस पर वीरेंद्र भाई ने कहा, एकदम सब कुछ तय हो गया है। बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। आरजेडी के साथ महागठबंधन में शामिल हुए जेडीयू, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएमएल सबकी अपनी अपनी मांग है। कांग्रेस कह रही है कि उसे 9 से 10 सीटें चाहिए। जेडीयू ने साफ कह दिया कि 16 सीटों पर अभी तक उनके सांसद हैं, अब उसे नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में अब फैसला होने के बाद ही देखा जाएगा कि महागठबंधन में सीटों का किस तरह से बंटवारा किया गया है।